अजमेर में लगा है अघोषित आपातकाल का वासुदेव देवनानी ने। राज्य की कांग्रेस सरकार पर देवनानी ने साधे कई निशाने। प्रेस वार्ता कर बताई राज्य सरकार की असफलताएं। पूर्व शिक्षा मंत्री वर्तमान में विधायक वासुदेव देवनानी ने आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि अजमेर में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे सरकार में जो वर्क ऑर्डर दिए गए थे ना तो वो पूरे हो रहे हैं, ना ही प्रोजेक्ट का कोई भी भुगतान हो रहा है। विधानसभा में जब इस प्रश्न को उठाया गया तो सरकार का कहना है कि हमारी सरकार ने 9000 करोड़ की कार्य योजना बनाई है। इसके अलावा देवनानी ने कहा कि बिजली भी 18% महंगी करने की सरकार योजना बना रही है, जिसकी वजह से घरेलू व्यवसाय पर आर्थिक भार पड़ने वाला है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा भी चरमरा गई है। JLN अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। देवनानी ने कहा कि ये सरकार सिर्फ गांधी नेहरू परिवार को खुश करने का प्रयास कर रही है। देवनानी ने राज्य के मुख्यमंत्री को ये भी कहा है कि अगर वह सही में गांधीवादी है तो शराबबंदी करके दिखाएं। राजस्थान में इस समय अघोषित आर्थिक आपातकाल लगा हुआ है। पिछले 6 महीने में वेतन के अलावा किसी प्रकार का कोई सरकार, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं या नए हैं, किसी पे भी कोई भुगतान न पुराना हो रहा है, न कोई नया जनता की समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रकार का काम हो रहा है। इवन नए जो वर्क ऑर्डर हमारे समय के दिए हुए थे उन पर भी ये कहा जा रहा है कि अभी पैसा नहीं है, इनडायरेक्टली ठेकेदारों को काम करने के लिए मना कर दिया है। जब विधानसभा में इसकी चर्चा होती है तो ये कहते हैं कि आपकी सरकार 9000 करोड़ रुपए के ज़्यादा इन्होंने योजनाएं स्वीकृत की, जबकि मेरा मान कहना है कि पिछले 12-13 में ये 14000 करोड़ से अधिक की घोषणाएं करके गए थे। हमने सारा प्रोविज़न किया और इस समय केवल कहा जा रहा है कि आर्थिक स्थिति तो खस्ता है, लेकिन कह रहे हमने टैक्स नहीं लगाए। यह भी पूरी तरह असत्य है कि सरकार ने लगभग 2500 करोड़ के टैक्स लगाए हैं, जिसमें 1800 करोड़ तो 4% पेट्रोल और डीजल पर बजट से 6 दिन पहले वेट लगा करके किया, गैस को 5.5% से 10% किया, और साथ में जो 2-व्हीलर 4-व्हीलर हैं उनका रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाया। और अभी हाल ही में जो जानकारी आ रही है कि बिजली के जो इन्होंने न बढ़ाने का वादा किया था, नियामक आयोग के माध्यम से लगभग 10 से 11% बिजली के जो रेट्स हैं इनको भी बढ़ाने की सरकार ने एक प्रकार की योजना बना ली है, जिसके आधार पर 90 लाख से अधिक घरेलू और कॉमर्शियल लोगों पर ये भार पड़ने जा रहा है। इस समय चिकित्सा सुविधाएं भी चरमरा रही हैं, हमारा JLN अस्पताल बुरी तरह इससे ग्रस्त है, बिल्कुल हालत इसकी खस्ता है। यहाँ पर आपातकाल में भी लोगों को सेवाएँ नहीं मिल रही हैं। और इस समय शिक्षा की दृष्टि से जाएँ तो विश्वविद्यालय की हालत खस्ता है, और कोर्ट के कारण कोई VC नहीं है, कार्यवाहक वाइस चांसलर न होना, एक एक VC के पास अन्य राज्य में भी 4-4 विश्वविद्यालयों के चार्ज हैं, और अजमेर के संस्कृत कॉलेज की तो स्थिति देख करके बड़ा आश्चर्य विकट होता है। एक बिल्डिंग बनी पड़ी है 6 करोड़ की लागत से हमने बनाई, चूँकि भाजपा सरकार में बनी, इसलिए बच्चों को ट्रांसफ़र न करना मतलब ये तो किसी प्रकार का कोई आधार नहीं बनता, इसलिए वह तत्काल उसको शिफ्ट करें। और सरकार की मूलभूत नीतियां ही एक तरह से गलत आधारित बनी है, होना ये चाहिए था रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के माध्यम से नीतियां बनती जैसे केंद्र सरकार ने बनाई हैं, लेकिन राज्य सरकार तो केवल अपने गांधी नेहरू परिवार को खुश करने के लिए योजनाओं के नाम उनके रखते हुए अपना केवल कॉपी फॉर्म उन्होंने जो करने का तय किया है वह निश्चित रूप से बड़ी पीड़ा देता है। और अपने आप को गांधीवादी बताते समय मैं चाहूँगा यदि वास्तव में हमारे मुख्यमंत्री जी गांधीवादी हैं तो शराबबंदी करके एक मैसेज दें, क्योंकि भारत सरकार तो गांधी जयंती के अवसर पर प्रत्येक MP को 150 किलोमीटर का जिस प्रकार की पैदल यात्रा करके गांधी जी के संदेशों को घर घर पहुँचाने तक करें, लेकिन ये एक्शन में शराबबंदी करेंगे तो वास्तव में लगेगा कि गांधीवादी है, अन्यथा केवल गांधी के नाम पर सत्ता ही हासिल करने का मकसद दिखाई देता है।